सुल्तानपुर लोधी से विधायक नवजोत सिंह चीमा ने पंचायत समिति चुनाव को लेकर अकाली दल को निशाने पर लिया है। चीमा का कहना है कि अकाली दल को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और वो पैसे देकर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब अकाली दल की करतूतों के कारण हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अकाली दल इस चुनाव में SGPC का दुरुपयोग कर रही है। श्रोमणी अकाली दल का नाम लेके राजनीति, श्रोमणी अकाली दल को कैंडिडेट नहीं पूरे हो रहे, लब लब के पैसे दे के खड़े कर रहे। इतों तक नौबत आ गई आर साहब गुरद्वारा जरा साझा मानता का एक संदेश दिता और गुरु नानक साहब का बहुत वाला मानता इतने उतों के मैनेजर न दबाव पा के कहा गया भी जो नौकरी करनी है तो अपनी घर वाली इलेक्शन करा, नहीं तो देखो एक मैनेजर जरा बेर साहब गुरद्वारा वो जी वाइफ में इलेक्शन लड़ा कितों श्रोमणी कमेटी के एक मुलाजम और इन्हों को अपने अकाली दल को जहेदार है नहीं जो इलेक्शन लड़ सकते हालात आ गए। चीमा सुल्तानपुर लोधी में पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की नामजदगी दाखिल करवाने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि इन चुनाव में विकास के एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कपूरथला से मीनू ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी।